ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जदयू कार्यालय की तस्वीर है और कभी इस कार्यालय में नेताओं का आना जाना लगा रहता था। सभी नेता लोग मौजूद रहते थे, कार्यकर्ता मौजूद रहते थे, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग है। सिर्फ आपको गार्ड दिख रहे हैं और कुछ खाली कुर्सियां दिखेंगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। ये जदयू कार्यालय की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इस कार्यालय में आज 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद इस कार्यालय को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ यहाँ लगाया गया है कार्यालय कैंपस में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है, लेकिन वहीं इस कैंपस में काम करने वाले लगभग 5 व्यक्ति जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल जो था मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार था उसमें जो फरियादी आते हैं उसमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, खाना बनाने वाले लोग भी पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पूरे घर वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 18 आदमी जीतनराम मांझी के घर पर थे और आज जदयू कार्यालय में काम करने वाले लगभग 5 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बिहार में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है जदयू कार्यालय की तस्वीर है, खाली पड़ा ये जदयू कार्यालय। कभी इस जदयू कार्यालय में कार्यकर्ता और नेताओं की भीड़ रहती है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो जदयू के हैं और इस कार्यालय में हमेशा कार्यकर्ता, नेता, विधायक सभी लोग मौजूद रहते थे, लेकिन आज ये कार्यालय बंद पड़ा हुआ है। गार्ड जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर उपस्थित हैं, गार्ड लोग उपस्थित हैं, कार्यालय बंद है। हालांकि ताला नहीं लगा हुआ है लेकिन गेट को बंद कर दिया गया है, प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, कोई अंदर जा नहीं रहा है। और बताया जा रहा है कि 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन कौन कौन वो लोग हैं अभी तक नामों की सूची जो है वो जारी नहीं की गई है। लेकिन इस कार्यालय में 5 लोग, यानी अब देखिए बिहार में 24 घंटे में 384 जो केस थे, माफ़ करिएगा 44 जो एक्टिव केस थे, अब वो बढ़ गए हैं, धीरे धीरे बढ़ के शाम तक ये केस जो हैं वो 400 के पार चले जाएंगे। ये आंकड़ा जो है 400 का पार करेगा, लेकिन जदयू कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जदयू कार्यालय में काम करने वाले 5 कर्मचारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब जांच का विषय ये भी है कि कौन कौन लोग जो हैं उनके संपर्क में आए हैं, उन 5 लोगों के संपर्क में कौन कौन से लोग आए हैं और क्या उन्हें कुछ हुआ है या नहीं। अब बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 7 बजे बैठक करने वाले हैं, ये बैठक बहुत अहम होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ बैठक होगी और इस बात पे फैसला लिया जाएगा कि बिहार में किन किन चीज़ों पर पाबंदियां लगाई जाए, क्या बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, इन सभी विषयों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जदयू कार्यालय में काम करने वाले लगभग 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना हो गया है उन्हें। लेकिन अब देखना ये है कि उन 5 लोगों के संपर्क में कौन कौन से लोग आए हैं। ये कार्यालय की तस्वीर देख लीजिए, कार्यालय में कार्यालय का गेट लगा हुआ है और कार्यालय के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग आ नहीं रहे हैं क्योंकि 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब देख लीजिए, सिर्फ गार्ड हैं यहाँ पर, कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साफ तौर पर कार्यालय के बाहर भी ये लगा दिया गया है, कार्यालय कैंपस में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। और अब देखना ये है कि वो कौन कौन से 5 लोग हैं और उनके संपर्क में कौन कौन से लोग आए हैं, क्या वो सही हैं या फिर वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।